हेलो गाइस, स्वागत है आपका गौरव ब्लॉग में। और सुबह हो चुकी है गाइस, और मैं सुबह सुबह उठ के नहाता हूँ, तो मैंने नहा लिया है और मुझे भूख भी लग रही है कि कुछ ब्रेकफास्ट करना है। और आज फूड ब्लॉग का भी दिन है, तो मैं काफ़ी सारे दिन एक चीज़ खाता हूँ जो कि वियतनाम में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। वो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। उसका नाम है बनमी चुंग। बनमी मतलब ब्रेड और चुंग मतलब होता है अंडे। तो गाइस, ये एक बर्गर की तरह है। इसको कैसे बनाते हैं ये मैं पूरा रेसिपी आपको दिखाऊंगा, बल्कि मैं खुद तो नहीं बनाऊंगा। उसके सामने जैसे कांटी ही बैठती है, तो उनके पास चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। आज का ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा, बट आप लोगों को स्ट्रीट फूड देखना है तो मैं स्ट्रीट फूड पे ऊपर ब्लॉग बना रहा हूँ। आंटी जी जस्ट उस कॉर्नर में बैठती है, बस सामने ही है। यहाँ से निकलूंगा और जाऊंगा उस तरफ और अभी खरीद के लाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा वहाँ पे। फिलहाल मेरा घर से व्यू देख लीजिए आप लोग कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है गाइस। तो गाइस अभी चलते हैं नीचे और दिखाते हैं आप लोगों को कैसे बन रहा है ये बनमी। सो गाइस, इस बनमी को बनाने के लिए सबसे पहले फ्राइंग पैन में ऑयल डाल दीजिए और ब्रेड को बीच से काट लीजिए और उसके अंदर अच्छे से दोनों तरफ बटर को लगा लीजिए। और ये एक चटनी है, इस चटनी को कैसे बनाया जाता मैं बाद में बोलता हूँ, पहले आप देख लीजिए। इसके अंदर आप क्यूकम्बर डाल सकते हैं एंड ये कैरेट है। और इसके बाद आंटी जी ऑमलेट बनाएंगे। नॉर्मल सा ऑमलेट, अंडे को फोड़ना है उस तेल में, फ्राइंग पैन में। मैं डबल अंडे की खाता हूँ, तो आंटी जी ने दो अंडे लगाए हैं। और ये जो देख रहे हैं ये बीफ है, ये भी बीफ है। और एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो पॉर्क है। ये रहा, ये है पॉर्क, दिस वन। सो इस बनमी को वियतनामीज़ लोग बीफ के साथ भी खाते हैं, पॉर्क के साथ भी खाते हैं। आंटी जी ने अभी डाला ब्लैक सॉल्ट एंड ये वाइट सॉल्ट भी था। और इसके बाद ऑमलेट को अच्छे से फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से। गाइस, यही बटर था जिसमें ये बाउल में था, जो कि ये बाउल में था। सो बस होने ही वाला है, बहुत ही सिंपल सा है। इस ऑमलेट को डाल देना है ब्रेड के अंदर, अभी जैसे आंटी जी डालेगी थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा फ्राई होना बाकी है और ये गया ऑमलेट ब्रेड के अंदर। इसको अच्छे से डाल देना है, इसके अंदर आप चिली भी डाल सकते हैं। ये सोया सॉस था, ये है टमेटो सॉस, चिली सॉस, और ये रहा ये टमेटो सॉस। इसको अच्छे से डाल लेना है अंदर। सो गाइस, इस बनमी को मैं तो दोनों तरफ से फ्राई करके खाता हूँ, बट ये आंटी जी के पास इतना छोटा सा फ्राइंग पैन है कि इसमें घुस ही नहीं रहा है ये बनमी बड़ा सा। तो मैंने बोला कि इसको हाफ कर दीजिए, और आंटी जी हाफ कर रही है। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा अच्छे से दबा देगी। एक्चुअली ये लोग सब कोई करते नहीं हैं, कोई कोई शॉप में ही ऐसा किया जाता है। मैंने बस आंटी जी को बोला, आंटी जी ऐसी कर रही है, और ये रेडी है। ये दूसरा वाला भी इसको सेम कर लेना है, और ये दूसरे तरफ से कंप्लीट। सो गाइस, इसको आप घर में भी बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप देख ही लिए हैं।
और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस इसको लेके चलते हैं घर और घर पे जाके आराम से खाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कैसा है ये बनी। बाय बाय गाइस। गाइस फूड ब्लॉग तो बीच बीच में आती रहेगी। मैं सोच रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग भी हफ्ते में एक बार एक ब्लॉग डाला करूँ। ऐसे तो मेरी ब्लॉग्स आते रहेगी। तो गाइस मैंने जो बोला था हफ्ते में दो ब्लॉग ऐसे आएगी नॉर्मल और एक ब्लॉग फूड ब्लॉग आएगी, तो उसके जगह मैं कभी कभी दूसरे कुछ इंटरेस्टिंग अगर चीज मिला डालने के लिए तो मैं वो भी डाल सकता हूँ। तो क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, अगर कंटिन्यू अगर फूड ब्लॉग डालते रहेंगे तो आप लोग भी गाइस बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा। तो गाइस मैंने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग भी डाला करूँगा, जैसे कि रिलेटेड टू टिकटॉक बैंड और लेटेस्ट एनीथिंग, जो भी अपडेट आते रहेगा ट्रेंडिंग में चलते रहेगा, मैं वो कोशिश करूँगा डालने के लिए और आप लोगों को एंटरटेन करते रहने के लिए। तो गाइस ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे और बताइए कैसी लगी है, एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बहुत सब्सक्राइब करो आप। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हैं गाइस सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बी हैप्पी, बी स्ट्रॉन्ग फॉर अ बेटर लाइफ।